भाई जापान की पॉपुलेशन इतनी कम है कि इन तीनों बास्केटबॉल कोर्ट में मैं बस अकेला बंदा खेल रहा हूँ। What's up guys, welcome back to a new vlog, this is Dev here. So guys, it's been a while since I uploaded anything on my channel because मेरे 12th के exams थे and उसके बाद मेरा result आया, उसके बाद मेरी college decide हुई, तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है मेरी life में। तो पिछले कुछ दिन पहले मैंने अपने Instagram handle पे Q&A session किया था, मैंने Q&A के लिए एक post डाला था जिसपे काफ़ी कुछ questions आए मेरे पास मेरी ज़िंदगी से related, मेरी स्कूल लाइफ, मेरी कॉलेज, हाउ डू आई सर्वाइव इन जापान और जापान के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो आज सारे वो क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आंसर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि आप जापान में क्या करते हो? तो जापान में जो कुछ करते हैं मेरे पापा करते हैं। पापा जी बोल, पापा जी। मैंने तो जस्ट अपनी 12th फिनिश करी है एंड आई विल बी गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी वेरी सून। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम योर न्यू फॉलोअर, सो डू गिव मी योर इंट्रो एंड व्हाट आर यू डूइंग इन जापान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है देव कसवान, मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट बीकानेर से एंड फिलहाल मैं जापान में रहता हूँ। मुझे 6 साल हो चुके हैं जापान में रहते हुए और अभी मैं कुछ खास नहीं कर रहा, अभी मैं बस अपनी कॉलेज स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहा हूँ जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब को एज अ करियर चॉइस किया है या नहीं? अब्बा नहीं मानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर एज? तो मेरी एज है 17। अगला सवाल है कि कितना कमा लेते हो? साला एक तो मुझसे कमाया भी तो नहीं जाता, पता नहीं मेहनत ही नहीं होती। तो अगला सवाल है कि जापान में नॉर्मल पर्सन को कितनी मिनिमम सैलरी मिलती है? तो वैसे तो ये चीज़ आपके जॉब पे डिपेंड करती है, बट जो जापान में नॉर्मल वेजेस है, मिनिमम वेजेस है, वो अराउंड 2 से 2.5 लाख येन के बीच में है, तो अपने इंडिया के लगभग 1,30,000 येन के आसपास आप कह सकते हो। तो अगला सवाल है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो? तो मेरा एडमिशन एक्चुअली एक जापानीज यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो चुका है, विच इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ आइजू। और मैं सोच रहा था कि मैं अपनी कॉलेज पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिससे आप सबको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो आप में से कोई भी जापान में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा मेरी तरफ से, जो मैं बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, वो मैं प्रॉपर उस वीडियो में बताऊँगा। तो थोड़ा सा वेट करो उस वीडियो के लिए, इसके बाद मैं वीडियो वो भी अपलोड करूँगा। अगला सवाल है कि जापान में बेस्ट प्लेस कौन सा है लिविंग के लिए? तो जहाँ तक मुझे लगता है टोक्यो इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर लिविंग, क्योंकि यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती है। अगला सवाल है, जापान में एक मंथ का कितना खर्चा आ जाता है इंडियन रुपीज़ में? तो समवेयर अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए इंक्लूडिंग द हाउस रेंट। अगला सवाल था कि मेरे पापा जापान में क्या वर्क करते हैं? तो मेरे पापा जापान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वैसे जब से मेरे 12th के एग्जाम्स फिनिश हुए हैं ना, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, मैं इतना वेला बैठा रहता हूँ पूरे दिन, इसलिए आज मैं ऐसे ही साइकिलिंग करने आया था। दिस इज़ द साइकिलिंग ट्रैक राइट हियर, और ये आगे तक जाता है, वैसे काफ़ी लंबा है। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, दिस इज़ कॉल्ड निशान स्टेडियम, और यहाँ पे नीचे ये रिवर है और ऊपर ये हाईवे है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी प्लेस है ये, तो मेरे को ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कभी कभी। तो एक भाई ने पूछा था कि हाउ मच मनी डू आई स्पेंड इन अ मंथ? तो वैसे तो मैं इतना खर्चा नहीं करता, बट जब मैं अपने दोस्तों के साथ कभी ट्रिप पे जाता हूँ 2 से 3 दिन की, तब लगभग 20 से 25 हज़ार मेरा खर्च हो जाता है, और मंथली मैं 1 या 2 ट्रिप्स पे जाता हूँ। तो अगला सवाल है कि वर यू बॉर्न इन जापान और योर फैमिली विजिटेड फॉर वर्क इन जापान? तो गाइज मैं इंडिया में पैदा हुआ था, जापान में पैदा नहीं हुआ था, और जो मेरे पापा है वो जापान आए थे 15 साल पहले जॉब के लिए। तो अगला है कि ग्रेजुएशन किधर से करने का इरादा है और कौन से कोर्स से? IIT। तो नहीं भाई, IIT करने जितनी मेरे में हिम्मत नहीं है, और मैं ग्रेजुएशन जापान से ही कर रहा हूँ, जापान की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ आइजू से, और मेरा जो कोर्स है दैट इज़ BTech इन कंप्यूटर साइंस। तो अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द फीस ऑफ जापान कॉलेज, प्लीज़ रिप्लाई माई क्वेश्चन एंड ऑल्सो एड माई क्वेश्चन इन योर वीडियो। तो भाई जो जापान की कॉलेज फ़ीस होती है वो प्राइवेट की होती है लगभग 10 से 13 लाख रुपए के बीच में, और पब्लिक की होती है लगभग 3 से 5 लाख रुपए के बीच में। तो जो मैं अभी जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और जापान में पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लगभग इनकी जो एक्सेप्टेंसी रेट होती है वो 5% से लेके 20% के बीच में होती है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट की। तो अगला सवाल है कि इंडिया कब आओगे? आई वॉन्ट टू मीट यू, यू आर माई फेवरेट। अरे थैंक यू सो मच भाई। तो फिलहाल तो इंडिया आने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मेरी अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है, तो आई हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। बाकी उसके बाद देखते हैं इंडिया आने का कब प्लान बनता है, और जब भी प्लान बनेगा मैं अपने इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे बता ही दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन इनिशियल डेज ऑफ कमिंग टू जापान? तो भाई जो मैंने फेस करी थी वो थी लैंग्वेज,
सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मैं ऐसे ही खुलेआम कहीं घूमने निकल सकता था। और उसके बाद आती है वेजिटेरियन होने की दिक्कत, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मुझे खाना हर कहीं नहीं मिलता था, हर जगह नॉनवेज मिलता है, अभी भी नहीं मिलता। बट अभी जैपनीज तो सीख चुके हैं, बट वेजिटेरियन होने का प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि वेजिटेरियन खाना हर कहीं पे नहीं मिलता। नेक्स्ट है कि भाई मुझे भी जापान आना है बट जापानीज़ नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जापान में ना आजकल फॉरेनर्स काफ़ी आने लग गए हैं, तो जापानीज़ का इतना महत्व रहा नहीं अब जितना पहले था। तो अब अगर आपको इंग्लिश आती है और थोड़ी बहुत भी जापानीज़ आती है ना, तो काम चल जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मैं जापान में स्टडी के लिए आऊँ तो कितना मनी लगेगा? तो भाई अगर आप जापान आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी कॉलेज की फ़ीस दे सको और जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस है वो आप दे सको। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है उनकी फ़ीस लगभग एक साल की 10 से 13 लाख के बीच में होती है, तो उसको आप मल्टीप्लाई 4 से कर दो तो 40 लाख वो सीधा हो गया, और उसके बाद अपना लिविंग एक्सपेंसेस 4 साल का वो देख लो, तो लगभग आपके पास 50 से 60 लाख रुपए होना चाहिए प्राइवेट के लिए। और बाकी पब्लिक के लिए तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, 30 से 40 लाख के आसपास। तो इतना पैसा आपको आपके पास होना चाहिए जापान में पढ़ने के लिए। अच्छा, एक ये सवाल आया था मेरे पास कि व्हेन आर यू गोइंग टू अपलोड वीडियो ऑन निंजा हथौड़ी सेट। तो भाई मैंने ना एक वीडियो में बोला था कि मैं निंजा हथौड़ी के घर जाऊँगा, अगर उस वीडियो पे 500 कमेंट्स आ जाते हैं। तो उस वीडियो पे ना एक दिन में 500 कमेंट्स आ गए थे, बट मैं निंजा हथौड़ी के घर नहीं गया, क्योंकि उस टाइम ना गाइज मेरे कॉलेज का कुछ काम था और मेरे स्कूल के भी उस टाइम पे जस्ट 12th के फिनिश हुए थे एग्जाम, तो मैं अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहा था। बट अब मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, तो अब मैं जा सकता हूँ। तो अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं कब जाऊँ, तो बहुत जल्द इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी था जो कि सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन था, वो था कि आई नो इट्स द मोस्ट इडियोटिक क्वेश्चन बट स्टिल आंसर ऑनेस्टली, एनी गर्लफ्रेंड? लड़कियों के मामले में क्या है कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। तो अगला सवाल था कि कैन इंडियंस डू कॉलेज फॉर बी टेक इन जापान, इज देयर ऑप्शन फॉर स्टडिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज? हाँ भाई, जापान में काफ़ी कॉलेजेस है जो कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं उनमें, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अपने कॉलेज पे और जापान में आप कैसे पढ़ सकते हो, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँगा। बाकी जापान में इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना भी पॉसिबल है, इनफैक्ट जो मेरी कॉलेज है उसमें भी मैं इंग्लिश में पढ़ने वाला हूँ। सो या यू कैन स्टडी इन इंग्लिश, बाकी एक प्रॉपर वीडियो आएगा उसके लिए जस्ट थोड़ा सा वेट करो। तो अगला सवाल है कि फेवरेट थिंग अबाउट कंट्री जापान। तो वैसे तो मेरी हर चीज़ जापान की फेवरेट है, बट मैं अगर कोई एक चीज़ बताऊँ तो फिर वो होगी कि जापान बहुत ही ज़्यादा सेफ कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत पोलाइट है, बहुत हम्बल है, और यहाँ की जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए मुझे जापान बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगला सवाल है कि हैव यू गॉट एनी गर्लफ्रेंड येट, आई मीन इन जापान? तो भाई मैं हूँ रामदेव बाबा का पक्का भगत, अभी तक में मुझे ये नहीं पता गर्लफ्रेंड का पूरा मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते? तो भाई मेरी जो लाइफ है वो इतनी हैपनिंग नहीं है दूसरे व्लॉगर्स की तरह, इसलिए मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करता। बट एक छोटा सा टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे, अगर इस वीडियो पे 2000 कमेंट्स हो जाते हैं तो मैं अगले 14 दिन तक 2 वीक तक डेली व्लॉगिंग ट्राई करूंगा। तो अगर इस वीडियो पे 2000 कमेंट्स आ जाते हैं तो आई विल गिव इट अ ट्राई फॉर डेली व्लॉगिंग। सो गाइज, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, दिस इज ऑल फॉर द Q&A व्लॉग। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू एड इन दिस वीडियो इज दैट कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी 100K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल, लाइक इट्स रियली बिग डील फॉर मी, क्योंकि मैं एक बस 17 साल का लड़का हूँ और उसके 100,000 सब्सक्राइबर्स, इट्स रियली अ बिग डील। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।